भाजपा विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कहा कि इससे झारखंड की जनता को थोड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने हेमंत सोरेन को अहंकारी बताते हुए कहा कि आज अहंकारी व्यक्ति का अहंकार टूट गया है। अमर बाउरी ने कहा कि भारतीय इतिहास और मानव इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब रावण का अहंकार नहीं रहा तो हम और आप जैसे इंसानों का क्या होगा। भ्रष्टाचार के कारण यह राज्य, इस राज्य की जनता, इस राज्य के अमर शहीद धरती आबा, बिरसा मुंडा, सिंधु कानो, चांद भैरव और ऐसे न जाने कितने लाखों लोग कलंकित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस मिट्टी को कलंकित करने वाले को आज इस्तीफा देना पड़ा है, इससे झारखंड के लोगों को थोड़ी राहत मिली है। चंपई सोरेन को झारखंड का नए मुख्यमंत्री बनने पर अमर बाउरी ने कहा, जो नाम सामने आया है पहले उन्हें शपथ लेने दीजिए। राज्यपाल के समक्ष जो दावा किया गया है वह मुझे अभी समाचार के माध्यम से प्राप्त हुआ, लेकिन एक बात तो तय है कि इसमें सब एक से बढ़कर एक है। उन्होंने महागठबंधन को ठग बंधन बताते हुए कहा कि इस ठग बंधन में बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह वाली बात है। कल्पना सोरेन को लेकर के अचानक जो है कि नाम आ गया चंपई सोरेन को। देखिए, लालू प्रसाद यादव एक बड़ा राजनेता थे, उनकी पकड़ थी, पार्टी में भी पकड़ थी, जनता में भी उस समय पकड़ थी, इसलिए उन्होंने राबड़ी देवी जी को, माननीय राबड़ी देवी जी को प्रस्तावित किया और सब लोगों ने मान लिया। हेमंत जी उतने कद्दावर नेता नहीं बन पाए हैं शायद, पार्टी के लोग उनके घर में ही विवाद थी, उनकी भाभी श्री, उनके भाई, परिवारवाद में भी परिवारवाद की राजनीति करने का जो इन लोगों ने सपना देखा था, आज लगता है सबसे ज़्यादा यदि अगर निराश यदि कोई होंगे तो हेमंत जी ही होंगे। उनका सीट भी गया, पट भी गया। देते हैं ना बंगला में हम लोग गाँव में कहावत क्या है, महुलो गेलो महुले टुपाए हो गेलो, मैंने महुआ भी गया और महुआ का टोकरी भी गया, दोनों ही चला गया इनका। तो ये समझना चाहिए कि भाई जनता ने आपको सेवा करने का मौका दिया है तो सेवा ही परम लक्ष्य रख करके आपको आगे बढ़ना चाहिए था। भ्रष्टाचार के माध्यम से सिर्फ पैसा पैसा पैसा, जैसे CGL के नौकरी में भी आप पैसा कमाने के लिए चले गए, तीन मंत्री अभी जो सरकार में, अभी तो सरकार भंग हो गई, तीन मंत्री सीधे संलिप्त थे जो युवाओं से पैसा लेकर के उनको नौकरी दिलाने के लिए एजेंसी के साथ मिलकर के क्वेश्चन लिख करवा रहे थे। ये सारी सूचनाएं हैं, CBI की जांच होगी तो उन मंत्रियों के गिरेबान तक भी कानून का जांच पहुंचेगा। और आज छात्रों पर लाठी बरसा करके उनके आक्रोश को दबाने का जो आप असफल प्रयास कर रहे हैं, बाध्यकारी होकर के आपने परीक्षा को तो रद्द कर ही दिया, इतने सारे युवाओं के आंसुओं का जवाब, इतने सारे गरीबों के आह का लगना ही था इस सरकार को, और इससे ज्यादा भ्रष्टाचारी और इससे ज्यादा असफल सरकार आज तक झारखंड में न हुआ है न होगी। सभी चीजों से अवगत हो गए, थोड़ा सा नीचे कर लीजिए इसके लिए, हाँ, कि चंपई सोरेन अगले मुख्यमंत्री होंगे, इस्तीफा देना पड़ा मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन जी को। देखिए, भारतीय इतिहास और मानवीय इतिहास में बहुत सारे उदाहरण हैं। जब रावण का अहंकार नहीं रहा तो हम और आप जैसे मानव का क्या अहंकार रहेगा। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के कारण इस राज्य को, इस राज्य की जनता को, इस राज्य के अमर शहीद बिरसा मुंडा, धरती आबा बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, ऐसे तमाम लाखों अपने महान लोगों को कलंकित करने वाला, इस मिट्टी को कलंकित करने वाला, आज उसको इस्तीफा देना पड़ा है, उनको इस्तीफा देना पड़ा है। और ये झारखंड की जनता को एक छोटी सी राहत मिली है, लेकिन जो नाम सामने आया है उनको तो अभी शपथ लेने दीजिए। गवर्नर साहब उनको शपथ लेने के लिए बुलाते हैं, उनको क्या दावा किया गया है अभी तो अखबारों, मैंने प्रेस के माध्यम से ही पता चल रहा है कि उनके नाम की सहमति बनी है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो ठगबंधन है, ठगबंधन में कोई भी बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह वाला स्थिति है, इनसे भ्रष्टाचार रुकेगा ऐसी कल्पना करना ही मुझे लगता है बेईमानी होगी और मजबूरन ही सही। लेकिन कानून का शासन, संविधान की ताकत, और यह पाकिस्तान नहीं है,
यह श्रीलंका नहीं है, यह भारत देश है, जहाँ का गणतंत्र यहाँ की जनता के ताकत से खड़ा है। आज कानून ने, संविधान ने अपनी ताकत दिखाया है और इसे अहंकारी व्यक्ति का अहंकार टूटा है। तो आगे